हम आजकल बड़ी ही कोशिश करते हैं ईश्वर को प्राप्त करने की, इधर से उधर तीर्थ स्थलों में बहुत घूमते हैं कि इस तीर्थ स्थल में जाने पर हमें परमात्मा प्राप्त हो जाएगा या उस तीर्थ स्थल में जाने पर प्राप्त हो जाएगा, और अपने माता पिता की सेवा करनी नहीं है, अपना खुद का ध्यान करना नहीं है, अपने अंत मन को जानना नहीं है, अपने अंत आत्मा को जानना नहीं है, केवल बाहरी दुनिया में घूमना फिरना है, गाड़ी में बैठे रास्ते में फास्ट फूड छोले भटूरे खाए और उस स्थान पे पहुंच गए, वहाँ से प्रसाद दिया भगवान को और फिर वापस हो गए, तो ऐसे परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। क्या लिखते हैं शास्त्र में, क्या लिखा है, परमेश्वर तो सर्वव्यापक है, वह अनु अनु और कण कण में विद्यमान है, परंतु उसका दर्शन हृदय मंदिर में ही होता है। निरंतर ओम का जाप और योग अभ्यास करने से वह हृदय मंदिर में ही प्रकट होता है। हृदय मंदिर कौन सा होता है हमारा? हृदय का जो होता है ना ये, क्योंकि आपने देखा होगा हम कुछ भी गलत कार्य करते हैं तो हमें कहाँ से संकेत मिलता है कि मत करो, घबराहट कहाँ होती है, इसी स्थान पर होती है। तो यही समझो परमात्मा यहीं से हमें संकेत कर रहा है और यहीं हमें परमात्मा की प्राप्ति भी होगी, क्योंकि परमात्मा क्या है, सर्वव्यापक है, सभी जगह है, कण कण में अनु अनु में सब जगह है। इसलिए ही परमेश्वर को जानो समझो, जब तक आप उसको अपनी अंतरात्मा को आप जानोगे समझोगे नहीं ना, जैसे आपकी ये आंखें बंद होगी तो समझो आपका ध्यान शुरू हो गया, और खुली आंखों से कभी ध्यान नहीं होता। जब आंख बंद करके गायत्री मंत्र का जाप करोगे, ओम का जाप करोगे, तो आपको 5 से 10 मिनट में ऐसा लगने लगेगा आँख खोलने का मन नहीं करेगा कि बस अब तो हमेशा के लिए आँख बंद ही रहे। तो इतना आनंद, इतनी अनुभूति आपको परमात्मा की उपासना करने में, ओम का उच्चारण करने में, जाप करने में होने लगेगी मात्र 2 से 4 दिनों में। आपका मन पवित्र होता चल जाएगा, आपकी बुद्धि पवित्र होती चल जाएगी, आपका जो व्यवहार है, आचरण है, वो पवित्र होता चल जाएगा निरंतर क्या करने से, उपासना करने से।